तारा मधु की रसोई से। आज मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे पॉपकॉर्न बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज पॉपकॉर्न में ही मैंने 5 ट्विस्ट दिए हैं, यानी कि घर में जो हम सिंपल से पॉपकॉर्न बनाते हैं उन्हीं में हमने आज 5 फ्लेवर्स ऐड किए हैं, जिससे हमारे पॉपकॉर्न हो जाएंगे एकदम स्वादिष्ट, एकदम अलग, डिफरेंट और एकदम से यूनिक। तो फ्रेंड्स अब घर में बनने वाले आपके सिंपल से पॉपकॉर्न को कर दीजिए बाय बाय और बनाइए ये वाले अलग से फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न। रोज के पॉपकॉर्न से तो आप बोर भी हो गए होंगे, तो अब से घर में दादी दादा के लिए बनेंगे अलग फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न, मम्मी पापा के लिए उनकी पसंद के अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न, और बच्चों के लिए तो एकदम मजेदार वाले पॉपकॉर्न, और वो भी केवल 10 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें प्लीज प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल बटन दबाइएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं एक्ट 2 वाले सिंपल क्लासिक सॉल्टेड वाले 2 पैकेट, और आज हम इनको गैस पर प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आप अपने घर में प्रेशर कुकर ले लीजिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो, पानी होने से पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे अच्छे और ना ही वो फूलेंगे। तो गैस फुल करके मैंने रख दिया अपना प्रेशर कुकर। अगर आपको डाउट है कि आपके कुकर में कहीं सीलापन है या मॉइस्चर है, तो आप इस तरीके से उल्टा करके उसको ड्राई कर दीजिएगा, उसको गर्म कर दीजिएगा ताकि मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। और अब हम अपना पैकेट लेंगे और उसको कट करके इस कुकर में डालेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिया है एक्ट 2 का पैकेट, इसमें बटर और सॉल्ट पहले से ही ऐड है, लेकिन अगर आप प्लेन वाले कॉर्न ले रहे हैं तो आप डाल लें उसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और साथ में डालें बटर। तो टोटल 2 पैकेट मैंने इस कुकर में डाल दिए हैं, गैस मेरी एकदम फुल है, और अब हम इसे अच्छे से एक बार हिला देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और बस इस विसल को हम रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स विसल लगा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, गैस मेरी अभी फुल है एकदम, और अभी मुझे पॉप की आवाज नहीं आई है तो मैं इसे फुल ही छोड़ दूंगी गैस को, और जैसे ही पॉपकॉर्न की पॉप की आवाज आपको आने लगे उसके बाद हमें गैस को स्लो कर देना है। तो अभी इसमें मुझे आवाज नहीं आनी स्टार्ट हुई है, देखिए फ्रेंड्स अब आवाज आनी इसमें स्टार्ट हो गई है, यानी कि पॉपकॉर्न पॉप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम अपनी गैस को एकदम स्लो कर देंगे और इसे एक बार शेक कर देंगे अच्छे से, ताकि ये सारे पॉपकॉर्न बढ़िया से पॉप हो जाए और एक भी इसमें बिना पॉप हुए ना रहे। तो लीजिए फ्रेंड्स अब आवाज आनी बंद हो गई है और लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस को कर दिया है बंद, और ये देखिए पूरा कुकर भर करके रेडी हो गया है और इसमें एक भी दाना बिना पॉप हुए नहीं रहा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया हमारा पॉपकॉर्न बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये प्लेन सॉल्टेड थे। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये वाले तैयार हो जाएंगे हमारे दादी दादा के लिए एकदम प्लेन सॉल्टेड। तो फ्रेंड्स 2 मिनट में तैयार हो गए हैं हमारे प्लेन सॉल्टेड वाले पॉपकॉर्न, वो भी प्रेशर कुकर में। तो इन्हें आप सर्व कीजिए दादी दादा के लिए क्योंकि ये है एकदम सिंपल से प्लेन सॉल्टेड। और चलिए हम बनाते हैं दूसरे ट्विस्ट वाले पॉपकॉर्न। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है फ्राइंग पैन, और इसमें मैं डाल दूंगी अब आधा चम्मच बटर, आप बटर कोई भी यूज कर सकते हैं सॉल्टेड या फिर बिना सॉल्ट वाला, और इस बटर को हम मेल्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो सॉस। जी हाँ, इससे हमारे पॉपकॉर्न में बहुत ही अलग सा एक फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी आएगा। अच्छे से बटर में इस सॉस को मिक्स कर देंगे, गैस को एकदम स्लो कर देंगे और अपने पॉपकॉर्न इसमें डाल देंगे, एक तरीके का छौंका लगा देंगे पॉपकॉर्न में, और बढ़िया से अब इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स सारे पॉपकॉर्न में सॉस लग जाए, गैस को एकदम स्लो रखिएगा, और इन वाले पॉपकॉर्न को फ्रेंड्स फटाफट से सर्व कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी देर में थोड़े सॉगी हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो लीजिए फ्रेंड्स कुछ ही मिनटों में तैयार है आपके लिए सॉस वाले पॉपकॉर्न, टोमेटो केचप वाले, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब तैयार कर लेते हैं दूसरे फ्लेवर के पॉपकॉर्न। इसके लिए भी मैंने फ्राइंग पैन को गैस में रख दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब देसी घी, इसको हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे चटपटा चंकी चाट मसाला। जी हाँ, ये वाले पॉपकॉर्न हमारे बनेंगे थोड़े से चटपटे,
तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है लगभग 1/4 चम्मच के करीब चंकी चाट मसाला। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्ची का पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, तो कलर भी आएगा और टेस्ट भी। तो अब आपको जितने भी चटपटे वाले पॉपकॉर्न बनाने हैं उतनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इन्हें डाल दीजिएगा फ्राइंग पैन में और अच्छे से सॉटे कर दीजिएगा। गैस को कर दीजिएगा एकदम बंद, क्योंकि लाल मिर्ची है वो जल सकती है। और बस इसको बढ़िया से मिक्स कर दीजिएगा। देखिए कितने चटपटे वाले हमारे पॉपकॉर्न मसाला वाले तैयार हो गए हैं। तो ये रेडी हो गए हमारे मसाला पॉपकॉर्न। इन्हें निकाल देते हैं हम एक बाउल में। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया और चटपटी फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न। चलिए फ्रेंड्स अब बना लेते हैं बच्चों के लिए अलग से पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक फ्राइंग पैन और इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 कप चीनी। ये नॉर्मल शुगर है जो हम अपने घर में नॉर्मली यूज करते हैं। और इसको करेंगे हम कैरेमलाइज। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं डालना है। चीनी को हम मेल्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट होने लगेगी। बस आंच को आप धीमी रखिएगा। ये वाले पॉपकॉर्न फ्रेंड्स मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। हमेशा वो इसी की डिमांड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाले पॉपकॉर्न की रेसिपी को तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट होने लगी है। जैसे ही ये मेल्ट होने लगेगी इसका कलर बदल जाएगा। एक बार ये थोड़ी सी थिक होगी और उसके बाद पिघल जाएगी। ये देखिए शुगर हमारी कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई है, कलर भी आ गया है। और देखिए पूरी तरीके से चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है, कैरेमलाइज हो चुकी है। हम इसे धीमी आंच पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर। तो मैं यहाँ पर बटरस्कॉच वाला फ्लेवर डाल रही हूँ, लगभग 2-3 बूंद। इससे जो है पॉपकॉर्न में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और डाल रही हूँ 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा। इससे देखिए अचानक से कलर बदल गया हमारी कैरेमलाइज शुगर का, आप देख सकते हैं। बिल्कुल 1 पिंच मैंने सोडा डाला है और बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और बस जितने भी आपको पॉपकॉर्न बनाने हैं उतनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसमें डाल दीजिएगा। कोई स्पेशल आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने पॉपकॉर्न बनाए उनमें से अलग अलग फ्लेवर के आप बना सकते हैं इस रेसिपी को ट्राई करके। गैस मेरी धीमी चली रही है, हम अच्छे से इसकी सारी शुगर की कोटिंग पॉपकॉर्न पर कर देंगे। फ्रेंड्स ये गैस बंद होते ही ड्राई होने लगेगा। तो जैसे ही आपकी कोटिंग पूरी हो जाए गैस को कर दीजिएगा बंद और इसको करेंगे हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा। ये देखिए थोड़ा चिपकने लगा है कैरेमलाइज की वजह से, लेकिन ठंडा होने के बाद हम इन्हें छुड़ा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है और कुछ इस तरीके का हो गया। अब हम धीरे धीरे अपने हाथों से इन्हें छुड़ा लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप सिंपल से पॉपकॉर्न बना रहे हो तो ये वाले फ्लेवर आप ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई फ्लेवर तो आपको बहुत पसंद आएगा। पर्सनली ये वाला फ्लेवर तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। तैयार है हमारे स्वीट एंड सार वाले खट्टे मीठे पॉपकॉर्न। चलिए फ्रेंड्स एक और फ्लेवर ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने रख दिया है एक गैस पर फ्राइंग पैन और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/4 चम्मच देसी घी। ये वाले पॉपकॉर्न हम बना रहे हैं चीज वाले, तो मैंने अपने घर में से नॉर्मल सा चीज ले लिया है। आपके पास जो चीज अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। और कद्दूकस से इसमें ग्रेट कर देंगे। आप चाहें तो एक प्लेट में ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फ्राइंग पैन में ही ग्रेट कर रही हूँ। लगभग 2-3 चम्मच के करीब आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार थोड़ा चिपक जाएगा लेकिन बाद में गर्म होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा। देखिए अभी एक बार चिपक गया है, थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सीजनिंग, जैसे कि ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, वही जो आप पिज्जा में यूज करते हैं। और अब हम अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के डाल देंगे इसमें पॉपकॉर्न, जितने भी आपको चीज फ्लेवर वाले बनाने हो, और बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये वाले तैयार हो जाएंगे हमारे चीज वाले बढ़िया से टेस्टी पॉपकॉर्न। चीज हमारी अब देखिए एकदम मेल्ट हो गई है, बढ़िया से पॉपकॉर्न पे कोटिंग हो गई है। गैस को कर देंगे अब एकदम बंद। और फ्रेंड्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें चीज पाउडर डाल सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से फ्लेवर और चीज का बढ़ करके आता है। और बस इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से और तैयार है हमारे चीज वाले पॉपकॉर्न। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो फ्रेंड्स देखा आपने लगभग 5-7 मिनट के अंदर हमने अपने सिंपल से पॉपकॉर्न को कितने सारे फ्लेवर में कितने नए ट्विस्ट दे करके रेडी कर लिया है। तो अब आप भी सिंपल पॉपकॉर्न जब भी बनाएं इस वाले मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा।
हमने बनाए टमाटो केचप वाले चटपटे पॉपकॉर्न, हमने बनाए चीज वाले पॉपकॉर्न, हमने बनाए मसाला वाले पॉपकॉर्न और बटर स्कॉच शुगर कैरामलाइज वाले पॉपकॉर्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी और एक नए इनोवेटिव कुकिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय।